नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुलभा मिश्रा आज आपकी कक्षा में लेकर के आई हूँ अलंकार। अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार, अलंकार का अर्थ है अलंकार शब्दों की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार शब्द कर धातु से बना रूप है जिसका अर्थ है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। विभिन्न विद्वानों द्वारा अलंकार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें आचार्य भामह ने कहा है शब्द और अर्थ की विचित्रता या वैशिष्ट अलंकार है। आचार्य दंडी ने कहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वर्णन करने की चमत्कारपूर्ण शैली ही अलंकार है। अलंकार का अर्थ ये आपको समझने की दृष्टि से है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार महिलाओं को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य को सजाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार की विशेषताएं, काव्य में चमत्कार लाना, काव्य की शोभा बढ़ाना, काव्य में सौंदर्य प्रदान करना, काव्य को अधिक आकर्षित बनाना, काव्य को अधिक विशिष्ट बनाना तथा काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाना। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के विशेष प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता हो वहाँ शब्दालंकार की सत्ता होती है। शब्दालंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार में अर्थ अलंकार ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत कर देते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण इत्यादि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उभयालंकार, उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले जो अलंकार हैं वो उभयालंकार कहलाते हैं। जहाँ काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं वहाँ उभयालंकार होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है। वास्तव में जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सामने आती है उसे उभयालंकार कहते हैं। श्लेष वास्तव में उभयालंकार का ही उदाहरण है। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद के अंतर्गत सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, हर बार उसका अर्थ भी अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय बा खाए बौराए जग या खाए बौराए। पहले कनक कनक का अर्थ यहाँ पर स्वर्ण से है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरे से है, यानी एक कनक का अर्थ स्वर्ण है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, तो यानी दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद में श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना।
जहाँ किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। एक शब्द जो पानी है वो बार बार आ रहा है, तो पहले पानी का अर्थ जल से है, दूसरे पानी का अर्थ है उसके मोती की चमक से है, और तीसरे पानी का अर्थ जो है वो मनुष्य का स्वाभिमान या इज्जत से है। कहने का मतलब ये हुआ, रहीम कवि ने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वाभिमान बना के रखना चाहिए, बिना स्वाभिमान के मनुष्य की इज्जत नहीं होती है। और उसी प्रकार से मोती पर अगर चमक नहीं होगी तो उसे भी कोई नहीं खरीदेगा, और उसी प्रकार से जल तत्व अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए ये पानी जो है अलग अलग आया है, परंतु उसका अर्थ, पानी एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार आएगा उपमा अलंकार। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण धर्म के कारण समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं, गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, कविरा माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म जो क्रिया होती है, और वाचक शब्द जिनके माध्यम से हम जोड़ते हैं वो योजक शब्द। अब सेकंड में आएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, या दूसरे शब्दों में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि चरण रूपी कमल, रूपी शब्द नहीं लगाया गया, डायरेक्ट कह दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर जो है चरण, जो है चरण की बात की जा रही है, तो चरण है उपमेय और कमल जो है वो उपमान है, यानी कमल से तुलना की जा रही है पैरों की, तो इसलिए कमल उपमान है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की या उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना करने के लिए प्रायः मानो मनु, जानो जनु, मनहु जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दूसरा है पद्मावत सब सखी बुलाई, मनु फुलवार सबे चली आई। तो मनु, यहाँ पर मनु आया, पद्मावती सब सखी बुलाई मनु, तो मनु से भी हम पहचानेंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पहले वाले में उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो, मानो आया, तो इन वाचक शब्द से भी हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति, जहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है अतिशय तथा उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो या बढ़ा चढ़ा करके कही गई हो। तो इस तरह कविता में जब प्रस्तुत या उपमेय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके या अतिशयपूर्ण ढंग से किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा अभी सोच भी नहीं पाए हैं, अचानक नदी का बहुत पार्ट बहुत चौड़ा है, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, राणा अभी मन में सोच ही रहे हैं कि चेतक जो है उस पार चला गया, यानी इतना सोच भी नहीं पाए, एक सेकंड के अंदर ये काम हो गया। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ना कोई चिट्ठी है ना कोई संदेशा है, लेकिन माँ मैं जो परदेश में हूँ तो माँ का जो स्नेह है वो मुझे एहसास हो गया और मैं रोने लगा। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। मानवीकरण अलंकार,
मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। वास्तव में काव्य में कवि जब प्रकृति वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव हो या मानवीय गतिविधियां हो। ऐसे स्थलों पर मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब उषा प्राकृतिक है और लक्ष्मी से उसकी उसको मानवीकरण यानी लक्ष्मी मान लीजिए देवी, उनसे उनको समानता दिखाई जा रही है। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई और मेघ आए बंठन के सज सवर के। अब मेघ यानी बादल, सज सवर के आना मतलब जैसे बारात जाने के लिए दूल्हा सजता सवरता है ना, ऐसे मेघ भी सज सवर करके आ गए हैं, तो दूल्हे से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। इस तरह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से हमने आपके सामने अलंकार रखे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित काव्यांशों में निहित अलंकार का नाम बताइए। काली घटा का घमंड घटा, दूसरा बिमल वाणी ने वीणा ली, तीसरा वर्षा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा, अगला इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले, अगला जो नत हुआ वह मृत हुआ जो ब्रंत से झरकर कुसुम, और आखिरी है तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। इन पंक्तियों में आप परिभाषाओं को पढ़िए और अलंकारों के नाम लिखिए और स्वमूल्यांकन ये आप अब अपने हिसाब से करेंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और मानवीकरण अलंकार से आप क्या समझते हैं, परिभाषाएं लिखना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।